अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग एरर या गारंटी एरर। मतलब आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा, आप जो भी फॉर एग्जांपल आप थर्मामीटर भी खरीदते हैं घर पे, अगर आप उसके बॉक्स को चेक करेंगे आप वहां पे देखेंगे कि उसके बॉक्स के पीछे लिखा होता है लिमिटिंग एरर या एब्सोल्यूट एरर। मतलब इसमें एरर हो सकता है कुछ, या तो परसेंटेज में दिया होता है या तो सीधे लिखा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री या कुछ भी लिखा। हम जैसे हम रेजिस्टेंस निकालते थे, हम फिर वैसे 510 किलो ओम प्लस माइनस 5 डिग्री, ये जो हम प्लस माइनस 5 डिग्री लिख रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं गारंटी एरर। ये मैन्युफैक्चरर हमें पहले ही बोलता है, भाई मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, उसमें थोड़ा एरर हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग एरर। इफ द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ देन इट्स डिफाइंड एज द गारंटी एरर या लिमिटिंग एरर। फॉर एग्जांपल मैंने एमीटर खरीदा जो मेजर कर सकता है 0 to 20 एम्पियर की करंट। अब मैंने इस एमीटर के थ्रू जा रही है 10 एमीटर की करंट, तो जा रही करंट फ्लोइंग इतना, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड करंट जो है वो है 10.2 एम्पीयर्स, ठीक है। तो अब जो ये मेरा वैल्यू है दिस इज कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू, ये है मेरा मेजर्ड वैल्यू और हमें मैन्युफैक्चरर ने पहले दी, इस आसमान से थोड़ा एरर। तो अब जो हम करेंगे ना 10.2 माइनस 10 जो एक्चुअल है आया 0.2, जो ये 0.2 है ना ये है हमारा एब्सोल्यूट एरर, ये है हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब हम देखते हैं हम एब्सोल्यूट एरर को कैसे हम इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस देख सकते हैं। मान लो जो मेरा एब्सोल्यूट एरर होता है, या जो हमारा देखो ऐसे है, ए सबस्क्रिप्ट ए इज इक्वल टू ए सबस्क्रिप्ट सी प्लस माइनस डेल ऑफ ए। जो मेरा ए सबस्क्रिप्ट ए है इसको मैं बोलता हूँ मेजर्ड वैल्यू, क्या बोलता हूँ मेजर्ड वैल्यू। जो मेरा ये है क्या बोलते हैं ए सबस्क्रिप्ट एस, इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ए सबस्क्रिप्ट एस इज द ट्रू वैल्यू। और जो ये डेल्टा ए है ये मुझे दे देता है एब्सोल्यूट और लिमिटिंग एरर। देखो अभी जो मेरा मेजर्ड वैल्यू था, जो मैंने अभी इससे पहले वाले केस में देखा था वो था 10.2, और जो ट्रू वैल्यू था वो था 10 और ये था 0.2 और यहाँ पे था प्लस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसके बाद आता है मेरा एक, ये हो गया, उसके बाद मेरा आता है रिलेटिव एरर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा रिलेटिव एरर होता है वो उसकी इक्वेशन होती है डेल्टा ए मतलब लिमिटिंग एरर डिवाइडेड बाय एस, जो मेरा ट्रू वैल्यू है ये मुझे दे देता है लिमिटिंग एरर, सॉरी रिलेटिव एरर दे देता है। और अगर मुझे परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना हो वो आएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, ठीक है, ये देगा मुझे परसेंटेज एरर। फिर से हम देख सकते हैं जो हम पहली इक्वेशन लिखी थी वो हम फिर से लिखेंगे, ए सबस्क्रिप्ट ए इज इक्वल टू जो हमारा ये है मेजर्ड वैल्यू दैट इज ए सबस्क्रिप्ट प्लस माइनस डेल ए। तो जो हमारा ये है क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर को मैं लिख सकता हूँ ऐसे ई सबस्क्रिप्ट आर से। अब मैं डेल ए को रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इससे डेल ए को मैं लिख सकता हूँ ए एस इंटू ई आर, वेयर ई आर इज द रिलेटिव एरर। तो अब क्या करूँगा, इस इक्वेशन में लिखूंगा ऐसे, यहाँ पे आएगा ए एस और प्लस माइनस ए एस इंटू ई सबस्क्रिप्ट आर,
वही आएगा एस मेरा बाहर वन प्लस माइनस ई सबस्क्रिप्ट आर, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे देखिए इसी इक्वेशन से हम ये भी लिख सकते हैं, ये हमारा एक और इक्वेशन, ये आप नोट कर लीजिए, ए ए सबस्क्रिप्ट एस वन प्लस माइनस ई आर, ई आर है हमारा रिलेटिव एरर। एक और चीज है जो है हमारी इस इक्वेशन से निकलती है, तो इसमें से हम निकाल सकते हैं डेल ए लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर होगा हमारा बराबर जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टू, अगर मैं 10 - 2 को -10 करूँ तो मुझे आ रहा है 0.2। ये एक और इक्वेशन आप लिख लीजिए, वेर ए इज दी मेजर्ड वैल्यू और ये है हमारी ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद इसी को कंटिन्यू करते हुए इसी पेज पे मैं लिख लेता हूं, जो हमारा ई आर है वो है डेल ए। डेल ए को मैं अब लिखूंगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से डेल ए को, डेल ए को मैं लिखूंगा ए ए माइनस ए एस डिवाइडेड बाई ए एस। ये हो गया रिलेटिव एरर। और अगर परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना होगा वो होगा इनटू 100, दिस इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100 विच इज द परसेंटेज एरर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हम